اللهم صل على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما نهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درو شریف بولن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد किसी ने किसी से पूछा वे क्या खाते हो का जो मालिक खिलाए कहाँ रहते हो जो मालिक रहाए क्या पीते हो जो मालिक पिलाए कहा कि तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं है तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कहा भाई मेरी क्या ख्वाहिश होगी मैं हूँ नौकर मैं हूँ गुलाम गुलाम की क्या चलेगी हम हैं बंदे उसी के वो खालिक और मालिक है तो हमारी नहीं चलेगी चलेगी उसी की के दोनों सुभान उसी की चलेगी हर हाल में बंदे को चाहिए कि सब्र करे शुक्र करे तीसरी कोई सूरत ही नहीं है या सब्र करना है या शुक्र करना अल्लाह ताला ने खुशहाली दी है आसूदगी दी है तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करे अगर तकालीफ है तंगदस्ती का आलम है गुर्बत है मिस्कीनी है तो आदमी सब्र करे इन्नल्लाह मा सबरीन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है शुक्र करोगे तो फरमाया मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं रास्ते तो वाजे हैं अजीजों हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर किसी का बच्चा फोत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों से कि मेरे बंदे ने क्या कहा तो फरिश्ते कहते हैं आपकी हम्द और सना बयान की है और इन्ना लिल्लाह पढ़िए बच्चे के फोत होने पर क्या पढ़िए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए आपकी हम्द और सना की है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फरिश्तो लिखो कि जन्नत में एक महल तैयार करो उसका उस महल का नाम रखो बैतुल हम समझा दी जो तकालीफ पर सबर करता है किसी की फौती पर समझा दी बच्चा फौत हो जाए सबर करता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह तआला फरमाते हैं महल तैयार करो उस महल का नाम रखो बैतुल हम इस उम्मत का नाम है हम्मादून क्या दोनों सुभान अल्लाह हम्मादून माने हम्द करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक मोहम्मद है आपका नाम अहमद भी है आपका नाम मोहम्मद भी है अल्लाह ताला की जात है महमूद जो अल्लाह की जात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोहम्मद आप सासम को जो परचम मिलेगा उस परचम का नाम होगा लिवाउल हम्द क्या नाम होगा लिवाउल हम्द आप सासम को जो जो दर्जा मिलेगा जो मकाम मिलेगा उस मकाम का नाम होगा मकाम महमूद जन सुभान मकाम महमूद हजरत सैयद अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तआला उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए वो बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो फरमाया हदीस मुबारक है जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ए मेरे बंदे तुम्हारे ऊपर मेरी नेमतें कम हैं ये जो तूने हम तो पढ़ा है ये तमाम नेमतों से ऊंचा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम नेमतों से ऊंचा है हर हाल में हम तो पढ़े आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह समझा नहीं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो गली से किसी ने कचरा फेंक दिया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह तो जो खलीफे थे जो शागिर्द थे हजरत आपने कचरा फेंका आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं क्योंकि शुक्र है कचरा फेंका गया लायक तो में था आग का अल्लाह लायक आग का था कचरा पर इक्तफा हो गया तो इसी वजह से कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे जैसा होता तो बहुत गालियां देता कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। समझा नहीं? बीबी राबिया बसरी, समझा नहीं? जब वफात पा गई तो फरिश्ते आए, मर रबों के कहां से आए? कहा कि आसमानों से आए। कहा इतनी इतना सफर करके आए हो, तुमने अल्लाह को नहीं भूला, अल्लाह को नहीं भुलाया। मैं दो गज जमीन में आई हूं, मैंने अल्लाह को भुला दिया है? राबिया बसरी ने मुख्तलिफ वाकयात को मैंने जमा किया है। एक मौजिन पहले उधर आजान होती थी तो ऊपर चढ़ जाते थे मीनार पर आजान देते, तो ऊपर मौजिन के ऊपर चढ़ा, किसी घर में नजर पड़ी, वापस उतरा, घर में गए, किसी नौजवान लड़की पर नजर पड़ी, उस पर आशिक हो गया, दरवाजा खटखटाया कि मुझे लड़की दे दो। आगे हम तो ईसाई है क्या? हम तो ईसाई है। कहा कि मुझे ईसाईयत कबूल है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्ब, मुझे ईसाईयत कबूल है। अगर कबूल है तो आ जाओ, हम शादी करा देते, निकाह करा देते। घर में आया हो, लड़की ऊपर थी, ऊपर चढ़ रहा था, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा था, पांव फिसला, वो मर गया, पांव फिसला मर गया। समझा नहीं? लड़की तो गई, ईमान भी, जान भी गई। अमेरिका में एक नौजवान सुंदर थी, समझा नहीं? इंटरव्यू दिया, किसी कंपनी में ले लिया और इंटरव्यू में पास हो गया। तो चूंकि इसको सुंदर थी, कहा कि कल आ जाना, वो कल दोबारा आ गए, इंटरव्यू में पास हो गया था। कंपनी वालों ने कहा कि दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी। फिर अब ठीक है, कबूल है, गया दाढ़ी मुंडा, गया। जब बात आया, दाढ़ी मुंडा के आ गया, तो कंपनी वालों ने कहा कि तूने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं की। अल्लाहु अकबर, तूने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं की, हम कैसे समझे कि हमारी कंपनी के साथ वफादारी करेगा? इसी वजह से हमें कबूल नहीं है। एक सिख है अमेरिका में रहने वाला, एक सिख फौज में आया, इंटरव्यू दिया, फौज ने कहा कि तुम्हें कबूल तो कर लेते हैं कि दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी। क्या? दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। क्या कहा? दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, क्योंकि हमारे जो गुरु थे, समझा नहीं, उनकी ये है तरीका है कि दाढ़ी नहीं मुंडानी। एक सिख होकर दाढ़ी नहीं मुंडाता अजीजों, मुसलमान होकर। नौकरी भी गई, समझा नहीं, दाढ़ी भी गई, सुन्नत भी गई, ये हाल है, समझा नहीं। एक डॉक्टर साहब ने वाक्य बयान किया कि हम बाहर गए थे, बाहर मुल्क गए, तो वहां से कोई चीज खरीदी, कोई गिफ्ट खरीदी घर वालों के लिए। दूसरे साथी ने कहा कि मुझे भी एक गिफ्ट लेनी है, वही चीज लेनी है। दूसरे दिन जो गए तो कीमत डबल लगती। कहा कि क्यों भाई, कल हम लेकर गए थे वही चीज थी और आज आपने दुगनी कीमत रखी है, क्यों? कि कल क्या जवाब दिया दुकानदार ने, कल जो दिन था वो हमारा मजहबी दिन था, जो हमारा त्यौहार का दिन था, और त्यौहार के दिन हम झूठ नहीं बोलते। क्या कहा? त्यौहार के दिन हम झूठ नहीं बोलते। वो गुजर गया। आज क्या आलम है, रमजान मुबारक आ जाता है, फिर देखो ईद आ गई तो कीमतें डबल हो गई, सब्जी हो गई डबल कीमत हो जाती है। अंदाजा तो करो, आप देखो तो सही, कभी आपने गौर किया वो चीज आप जो बाजार से लेते हैं, फिर आप इस गली से ले लो, इन दुकानदारों से ले लो, फिर इन अंदर जो दुकान है गली के अंदर उनसे ले लो, तो वाजिब फर्क आपको मिलेगा। फर्क होगा नहीं होगा, वाजिब फर्क मिलेगा। भाई जायज मुनाफा रखो यार, खाल उतार देते हो गरीब, पहले से मांगाई फिर खाल उतार देते। अल्लाह ताला सबको समझ नसीब अता फरमाए। हमारे मुर्शिद थे हजरत साईं खलीफा अहमद दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। हमारे वालिद मोहतरम को अल्लाह ताला की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। हमारे वालिद मोहतरम को अपनी चादर में दो दफा सुलाया था, दो दफा चादर में सुलाया हमारे वालिद मोहतरम।
फकीर करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहीं थे, अल्लाह वाले थे, जिस तरह आप लोग हैं ऐसे अल्लाह वाले नेक साले थे। 70 अहादीस याद की थी, इतनी 70 अहादीस में मदरसे में आ जाता फिर मुड़ेगा। अन अबी हुरैरा अन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु قال النبي صلى الله عليه وسلم माना करो, माना बताओ, मुझे पूछते थे कि माना बताओ कि माना इतनी मोहब्बत थी 70 अहादीस याद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की दो दफा ज़ियारत हुई, दो दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और एक दफा हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत हुई। क्या अल्लाह वाले थे अजीजों, और कितनी तकालीफ में कितनी तकलीफों में हमें पढ़ाया, समझा नहीं, अल्लाह ताला के दर्जात को बुलंद फरमाए, समझा नहीं, समझा। तो हमारे जो मुर्शिद खलीफा अहमदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, हमारे जिला शिकार को कहने वाले, हमारे वालिद साहब ने, बस आखिरी वाक्या, हमारे वालिद साहब ने एक वाक्या बयान किया वो आप तक पहुंचा देता हूँ। कहा कि चरवाहा था, एक था चरवाहा, मदरसा था देहात में, मदरसा था मस्जिद भी है, मदरसा था, उस्ताद पढ़ा रहा था, उस्ताद जब पढ़ा रहा था मसला था अरबी पढ़ने वाले शागिर्द बैठे हुए थे तो अरबी जो पढ़ने वाले थे वही मसला आ गया कि तयम्मुम जो है वो मिट्टी से जायज है, मिट्टी के जिन्स से जायज है, तयम्मुम मिट्टी से, मिट्टी के जिन्स से जायज है। वही याद रखो, तयम्मुम के दो फर्ज होते हैं, तयम्मुम के कितने फर्ज है, दो फर्ज, एकदम हाथ लगाओ, हाथ लगाकर जैसे छान कर मुंह को लगाओ और दूसरी दफा बाजू को लगाओ, दूसरी दफा बाजू, दो फर्ज है, पांव को नहीं सिर्फ मुंह और हाथों को, दो फर्ज है। तयम्मुम मिट्टी के साथ जायज है, मिट्टी के जिन से जायज है। वो चरवाहा बैठा था सुन रहा था, बस उठा गया, घरवाले से कहा कि भाई पता है तुम्हें तयम्मुम मिट्टी से जायज है, तयम्मुम मिट्टी से जायज है, मिट्टी के जिन से जायज है, खाक से तयम्मुम जायज नहीं है। कहा कि तू तुम्हारा क्या हुआ सर, तू मुल्ला लोग हैं, मुल्ला बोलियों की बातें हैं, तुम्हारे तुम क्या जानो, किताबों का के मसाइल तुम क्या जानो, क्या भी तुम्हें पता होना चाहिए। जो जिसके साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन आदमी उनके साथ अल मरु मा मन अहब, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन उनके साथ उठेगा। मोहब्बत हो गई, इस ताल्लुक हो गया, एक उस्ताद के साथ ही मसले के साथ ताल्लुक हो गया, अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि जिससे मिलता वही मसला बताता, जिससे भाई तयम्मुम मिट्टी से जायज है। जो तयम्मुम याद करना, तयम्मुम किससे जायज है, मिट्टी से जायज है, खाक से केरी से तयम्मुम करना जायज नहीं है। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि फौत हो गया, चला गया दुनिया से, रुखसत हो गया। फरिश्ते आए के बताओ मन रब्बो के मा दीनो के मन नबीयो के मन नबीयो, ये तो आपने सुना है, अगर नमाजी होगा नमाज से मोहब्बत होगी तो देख रहा होगा कि गुरूब है आफ्ताब, सर अब सूरज गुरूब होने वाला है, ढलने वाला है, छोड़ो तो सही मुझे नमाज तो पढ़ने दो, तुम्हें सवाल जवाब की लगी हुई है, चलो सवाल है, तुम सवाल जवाब है, मुझे तो नमाज भी लगी रही है, मैं नमाज तो पढ़ने दो, मेरी नमाज कदा हो रही है। अगर मोमिन है ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा है मा तकूल फी हक हाजर रजुल, इस रजुल के बारे में जानते हो ये कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सूरत मुबारक सामने आ जाएगी, अल्लाह अकबर। अगर मोमिन होगा, अगर ईमान होगा तो कहेगा हाजा मोहम्मद रसूल, चाहे कि देखा नहीं, चाहे कि आज के दौर का मुसलमान होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानी नूरानियत की वजह से पहचान लेगा हाजा मोहम्मद रसूल, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का लिबास दिया जाएगा, समझा नहीं। और जिसकी जिसके साथ मोहब्बत वही चीज उसको याद होगी, पैसों के साथ मोहब्बत हो पैस याद होगी, मुर्गों के साथ मोहब्बत मुर्गे याद होंगे, कुत्तों के साथ मोहब्बत कुत्ते याद आ जाएंगे, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत वो चीज याद आ जाएगी, बस तो वो उसकी मोहब्बत थी, उस मसले के साथ मोहब्बत थी, उलमा के साथ मोहब्बत थी। तो मुझे ये तो मसला तो बताओ कि तयम्मुम किससे जायज है, तयम्मुम करना किस चीज से जायज है, और उनको फरिश्तों से सवाल करने लगे, बारगाह इलाही में गए, या अल्लाह हमसे सवाल कर रहा है, अल्लाह ताला फरमाया फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाने फरमाया कि चलो इसको छोड़ दो, इसने इल्म का एक मसला सिखा था, इसका रास्ता आसान कर दो, इल्म का जो एक मसला सीखता है, समझे ना, इल्म का जो एक बाब सीखना है, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं।
तो उलमा के साथ मोहब्बत हो, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत हो, वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबी नफिया वल मुतजालिसी नफिया वल मुतजाविरी नफिया वल मुतबाजिली नफिया। वाजिब है मेरी मोहब्बत, अल्लाह तआला फरमाए मेरी मोहब्बत वाजिब है उन लोगों के साथ जो मेरे खातिर मोहब्बत करते हैं, जो मेरे खातिर बैठते हैं, जो मेरे खातिर खर्चा करते हैं, समझा नहीं, जो मेरे खातिर एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तआला।